हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो है अपन ने रैबिट्स को भी अभी बाहर निकाला हुआ है, और जो है ये जो बजीज वाली कॉलोनी थी और जोम्बिज भाई जिसमें रहते थे उसको मैंने गीला कर दिया है। तो देखते हैं फटाफट से। दोस्तों, यहाँ पर नईम भाई भी जो है आराम से अपनी घास खा रहे हैं, देखो मस्ती से हैं। और ये फिलहाल अभी मैंने कल नहीं खोले थे किसी भी बर्ड को। दोस्तों, यहाँ पर जोम्बिज भाई भी जो है अपना दाना और पानी आराम से कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, ये जो था बजीज वाली कॉलोनी थी ना, देखो यहाँ पर फिलहाल तो ये भी कर रहे हैं दाना पानी, सारे मस्ती से लगे हुए हैं। दोस्तों, ये मैंने गीला इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर धूप आने के बाद टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है, तो अब क्या है मिट्टी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो ठंडी ठंडी थोड़ा हवा देगी, तो इसलिए ये भी गीला करा है मैंने, थोड़ा पानी से भिगो दिया। और यहाँ पर जोम्बिज भाई वाला केज भी पानी से भिगो दिया। तो दोस्तों, फिलहाल तो सारी बर्ड ना अपना दाना पानी करने में देखो मस्ती से लगी हुई है फिलहाल तो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों भूखे थे, तो इनको डिस्टर्ब ना करते हुए वापस से लगा दिया हूँ मैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो है सारे मस्ती से अपना फूड दाना पानी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो अपनी मशीन थी ना, एक्वेटर मशीन बनाई थी एग्स के लिए, तो अच्छे से वर्क कर रही है और टेम्परेचर आराम से मेंटेन कर पा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर इनका मुझे आप रैबिट्स भाई का बताओ कमेंट में, इनका क्या बच्चे देने का क्या सीन है? बाकी ये काफ़ी मोटे मोटे से तो हो रखे हैं दोस्तों, आपने कमेंट में बताना है। तो ये कब तक बच्चे जो है बच्चे सच्चे दे देंगे? मैंने इनके लिए भी इसमें मिट्टी लगाई हुई है प्रॉपर तरीके से, तो दोस्तों प्रॉपर इसमें भी मिट्टी है फिलहाल तो ना। और दोस्तों देखिए, जोम्बिज भाई कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग, तो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।